रोज द्वंद होने लगा, द्वंदकारी और बड़ा होने लगा, जुआ खेलने लगा, अम्मा को ही मारने लगा, दे पैसा दे पैसा दे पैसा, सारा धन नष्ट कर दिया जुआ में, खेल खेल करके हार गया। अब धुंधली ने कहा, बेटा मैं कहां से लेके आऊं, तू मुझे ही मार दे। शराब पी करके मां को मारने लगा, मां को आत्मग्लानी हुई, एक कहीं बगल में कुएं में जाकर के गिर करके मर गई। अब कौन रह गया? धुंधकारी निर्द्वंद हो गया। अब किसी का डर नहीं, भय नहीं। अब पांच पांच वैश्याओं से शादी कर ली, पांच वैश्याओं को ले आया। एक दिन एक राजा के यहां उसने डांका डाला, बड़ा धन लेकर के आया। पांच वैश्याओं ने सोचा कि अब हम पकड़े जाएंगे। उन पांच वैश्याओं ने क्या किया कि एक दिन खूब मदरा लेकर के आई, खूब मदरा पान कर आई। जब धुंधकारी बेहोश हो गया तो उसके मुख में जलते जलते अंगारे डाल दिए और चारपाई पर लिटा दिया और कस के शरीर बांध दिया और गड़ासे से उसके अंग अंग काट करके उसी घर में गड्ढा खोद करके उसको दफना दिया और सारा धन लेकर के फरार हो गई। अभी आप जानिए आत्मदेव कौन है। जिसकी आत्मा में देवता रमण करें, परमात्मा रमण करें, वह उसका नाम है आत्मदेव। धुंधली कौन है? धुंधली है बिगड़ी हुई बुद्धि। धुंधकारी है आपका चंचल मन। गौकर्ण है सदोगुण बुद्धि, जो सदुपदेश करता है, सदमार्ग बताता है। अगर व्यक्ति बिगड़ जाए तो घर बर्बाद होता है, इसलिए सावधान रहना चाहिए गृहस्थियों को, मन बिगड़ने ना पाए। मन बिगड़ जाएगा तो धुंधकारी बन जाएगा, फिर घर में रोज द्वंद होगा और धीरे धीरे जिस घर में द्वंद होता है वहां लक्ष्मी सदा सदा के लिए रूठ करके चली जाती है। जिस घर में कलह होता है लक्ष्मी रूठ के चली जाती है, फिर कभी नहीं आती। इसलिए घर में जितना प्रेम होता है वहां लक्ष्मी का सदा निवास रहता है। धुंधकारी मरने के बाद प्रेत बन गया, गोकर्ण को पता लगा, गया में जाकर के पिंडदान कर दिया। बहुत समय के बाद में गोकर्ण अपने घर पे आया, जो पिता का घर जो स्वर्ग के जैसा था आज वहां हरी धूप छा गई, धूप छा रही है, घास आ गई। वहां रुका, लेकिन रात्रि काल में समय वो प्रेत जहां दबा था उसको धुंधकारी कभी भेड़िया बन जाए, कभी बकरा बन जाए, कभी शेर बन जाए, कभी सियार बन जाए, आदि आदि डराने लगा गोकर्ण को। गोकर्ण के पास में तीर्थों का जल था, तीर्थों का जल का सिंचन किया, एक क्षण जो है बोलने की शक्ति आई और पूछा तुम कौन हो? तो उन्होंने कहा अहम भ्राता त्वदीयोऽस्मि, धुंधकारीति नामत स्वकीयेनेव दोषेण ब्रह्मत्वं नाशितम् मया। गोकर्ण के पूछने पर कुछ देर बोलने की शक्ति आई तो धुंधकारी ने कहा अहम भ्राता तो दई, उस समय मैं आपका भाई धुंधकारी हूं। गोकर्ण ने कहा तो प्रेत बन गया, तेरी ऐसी दशा कैसे हुई? मैं तेरे लिए गया में जाकर के पिंडदान भी करे, पूजा पाठ भी किया, सब कुछ किया, तो क्या प्रेत बन के बैठा है अब तक? तेरी मुक्ति नहीं हुई? लेकिन नहीं, मेरी मुक्ति नहीं हुई, मैं प्रेत योनि से पीड़ित हूं, मुझे बड़ा कष्ट मिल रहा है, आप कोई उपाय करिए। और गोकर्ण ज्ञानी जैसा जिसका भाई हो उसे किस बात की चिंता, आपकी समाधान ढूंढिए। समाधान ढूंढने के लिए गोकर्ण को बड़ा चिंता हो गई। गोकर्ण के जो गुरुदेव हैं वह हैं भुवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान। सूर्य नारायण भगवान को स्थितगत कर दिया, रोक लिया
कि आप मेरी समस्या का समाधान करके जाइए, मैं क्या करूं मेरे भाई, दंडकारी प्रेत बन करके पड़ा है। और उसकी मुक्ति हुई नहीं, गया मैं पिंडदान करे, सब कुछ किया, लेकिन फिर भी प्रेत बन करके बैठा है, तो मुझे क्या करना चाहिए। पवन भास्कर सूर्य नारायण भगवान ने कहा कि सूर्य बच सर्वे धर्म रूपम तू विश्रुतमा श्रीमद्भागवता मुक्ति सप्ताहं वाचनम कुरु। सूर्य नारायण ने कहा कि हे गोकर्ण, तुम्हारे भाई की प्रीति योनि को छुटकारा पाने के लिए सिर्फ एक ही उपाय है, श्रीमद् भागवत वाचनम सप्ताह करो। आप भागवत सप्ताह का वाचन करें, तभी आपके भाई की धुंधकारी की मुक्ति होगी। प्रेत योनि से छुटकारा दिलाने वाले केवल भागवत कथा है। गोकर्ण ने अपने भाई धुंधकारी की मुक्ति के लिए भागवत की कथा की। स्वयं जिस जगह पर स्थान पर कथा हुई, वहां एक बांस का जो है बगीचा था, वहीं बांस के बगीचे में आकर के बांस के वृक्ष में आकर के बैठ गया, जो बांस सात गांठ वाला था, हरा बांस। एक दिन कथा सुनी, चौकड़ी मारकर के उस बांस के पेड़ में ही जाकर के बैठ गया। प्रथम दिन की कथा से बांस की प्रथम गिनती फट गई, दूसरे दिन से दूसरी, सातों दिन में सातों गिनतियां फट गईं, और उसी समय धुंधकारी का प्रेत का जो शरीर था वह देवतुल्य हो गया, और भगवान का विमान लेकर उतर के आया, और विमान भगवान की दूत लेकर के आए, तो उसी विमान पर बैठने लगे। तो वहां संत ऋषि मुनियों ने कहा कि महाराज सुनिए सुनिए, ये कथा तो हमने भी सुनी है, तो हमारे लिए विमान क्यों नहीं आया, ये तो ठीक नहीं है, हमने भी कथा सुनी है तो हमारे लिए विमान होना चाहिए। तब भगवान की दूतों ने कहा कि देखो आपने कथा तो सुनी है, लेकिन आपने कथा धुंधकारी के जैसे नहीं सुनी, क्योंकि अगर आप कथा सुन रहे हैं तो कथा सुनते सुनते अपने आसन से आप 10 बार तो ऐसे डुल जाओगे, कभी पैर ऐसे करोगे, कभी ऐसे करोगे, कभी इधर देखोगे, कभी उधर देखोगे, कभी आगे कभी पीछे, कभी पानी पियोगे, कभी उठ जाओगे। ये कोई कथा सुनने में कथा सुनना नहीं है। एक कथा सुनने का उपाय और विधि यही है कि कथा सुनने के लिए एकत्र स्थान पर बैठ करके जब तक आरती ना हो तब तक बैठे रहना चाहिए, एकाग्र मन से भगवान का चिंतन ध्यान करते हुए कथा सुने, तो आपके लिए भी विमान आएगा। इसमें पार्शलिटी की कोई बात नहीं है, देवदूतों ने समझाया संत ऋषि मुनियों को, क्योंकि किसी प्रकार की कामना उस धुंधकारी के मन में नहीं थी, केवल प्रेत योनि से मुक्त होना था। एकाग्र मन से 7 दिन तक कथा सुनी, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, एक ही स्थान पर बैठे बैठे भगवान के ध्यान में 7 दिन तक कथा सुनी। अगर आप भी ऐसी कथा सुनोगे तो आपको अभी विमान लेने के लिए आएगा। तो ऐसा आश्वासन दे करके गोकर्ण ने कहा कि मैं आपकी मुक्ति के लिए भी दूसरी कथा करूंगा। तो श्रावण के महीने में गोकर्ण ने ऋषि मुनियों के लिए भी मोक्ष के लिए कथा सुनी और सुनाई। उस समय जब यह वार्तालाप हो रहा था, उसी समय भक्ति देवी का प्रादुर्भाव हुआ, भक्ति देवी नृत्य करने लगी, और ज्ञान वैराग्य का वो कष्ट जाता रहा, सब संतुष्ट हो गए और नृत्य होने लगा, सब देवता आ गए उतर करके और सब देवता नाचने लगे। प्रहलाद स्थाल धारी तरल गति तया उद्धव काश धारी वीणा धारी सुरर सी
स्वर कुशल तयारा विकरता अर्जनो हो। प्रहलाद जी आए सत्संग में जहां भक्ति नृत्य कर रही थी, सब ऋषि मुनि संत देव आदि भक्ति के साथ नृत्य कर रहे थे। जब जिसका मन पवित्र हो जाता है ना, तब व्यक्ति का मन नाचने के लिए करता है, वो संसार की परवाह नहीं करता, पड़ोसों की परवाह नहीं करता। लोग जब मन निर्मल भी हो जाए तो लोग देखते हैं क्या कहेंगे, ये तो मेरे पड़ोसों नहीं है, ये क्या कहेंगे, ये तो मेरे पास ही रहते हैं। मन जब तक आपका निर्मल नहीं होगा तब तक आपके मन में संकोच होगा, आप शर्म से भर रहेंगे। भक्ति की जब कृपा हो जाएगी तो आपका मन निर्बल बन जाएगा, स्वतः आप नृत्य करने लगेंगे, नाचने लगेंगे। नृत्य भी भगवान को प्राप्त करने वाली एक भक्ति का नाम है। मीरा के पास कुछ और नहीं था, केवल नृत्य। मीरा ने पद गाकर के ब्रज की गलियों में नृत्य कर करके श्याम सुंदर को रिझाया तो गोविंद बन गए, उनको मिल गए। गोविंद को अपना बनाना है, संकोच को त्याग करके नृत्य करना चाहिए। यहां सब ऋषि मुनि देवता आदि भी नृत्य कर रहे हैं, प्रहलाद जी जो है ताली बजा रहे हैं कीर्तन में, और उद्धव जी कांसे का पात्र बजा रहे हैं स्वर से, और नारद जी वीणा बजा रहे हैं, और अर्जुन राग अलाप रहे हैं अलग 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 तरीकों से। इंद्र भी आए, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं, मृदंग बजा बजा करके नृत्य कर रहे हैं और नाच रहे हैं और कीर्तन हो रहा है। सब्सक्राइब करें रामकृष्ण शास्त्री जी के यूट्यूब चैनल को, और हमारे वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाना न भूलें।